दो साल पहले मैंने रिव्यू करा था ये केडेंस का SH-103। अब इसकी कंडीशन कैसी है ओवरऑल, इसके बारे में मैं बात करूंगा आगे इस वीडियो में। लेकिन आज मैं इस वीडियो में रिव्यू करूंगा इस गिटार का अफोर्डेबल वर्जन। यहाँ पे है मेरे पास केडेंस का SH-04। तो बात करेंगे क्या आपको इस गिटार में देखने को मिल जाता है, इस गिटार का साउंड चेक करेंगे और ओवरऑल देखेंगे क्या ये गिटार वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अफोर्डेबल सेगमेंट में केडेंस स्लो एंड सीरीज एक बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल अकूस्टिक गिटार है। स्लो एंड सीरीज में आपको बेसिकली दो अलग वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। एक तो है ऑल लैमिनेट कंस्ट्रक्शन और इसके अलावा है सॉलिड टॉप विद लैमिनेटेड बैक एंड साइड्स। स्लो एंड सीरीज के अफोर्डेबल सेगमेंट में आपको चार अलग अलग मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे चारों मॉडल्स में बैक एंड साइड्स तो सेम है लेकिन जो टॉप है उसमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे SH-01 है और SH-04 है, दोनों में आपको स्प्रूस टॉप देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो SH-04 है उसमें आपको एक ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है, वहीं SH-01 में आपको एक नेचुरल फिनिश देखने को मिलती है। इसके अलावा SH-02 में आपको एक लैमिनेटेड सिडार टॉप देखने को मिल जाता है और SH-03 में आपको एक लैमिनेटेड महोगनी टॉप देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर्टिकुलरली SH-04 की बात करते हैं और यहाँ मैं स्टार्ट करूंगा स्पेसिफिकेशंस से। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है लैमिनेटेड स्प्रूस टॉप विद लैमिनेटेड महोगनी बैक एंड साइड्स, महोगनी नेक, रोजवुड फ्रेटबोर्ड, रोजवुड ब्रिज। इसके अलावा यहाँ पे आपको डाइकास्ट ट्यूनिंग कीज देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको एक केडेंस का ही स्टॉक पिकअप देखने को मिल जाता है विद टू बैंड इक्वलाइजर एंड अ बिल्ट इन ट्यूनर। प्राइस की बात करें तो जो अफोर्डेबल स्लो हैंड सीरीज है SH-01, 02, 03, 04, ये सारे मॉडल जो है आपको अराउंड 9,000 से 10,000 रुपए की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएंगे Amazon पे भी और इसके अलावा केडेंस की अपनी वेबसाइट पे भी। प्राइस वेरिएशन स्लो हैंड सीरीज पे चलता रहता है, तो कभी कभी आपको ये गिटार जो है करीब 12,000 का भी देखने को मिल सकता है और करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये गिटार है अराउंड 10,000 रुपीज़ का और इस पर भी 10% का डिस्काउंट मिल रहा है SBI कार्ड का, तो ओवरऑल ये अराउंड 9,000 का पड़ जाता है विच इज़ अ ग्रेट डील। और इसके अलावा इसी प्राइस में आपको इवन यहाँ कुछ एक्सेसरीज भी मिलती हैं जैसे कि एक बैग है, इसके अलावा कैपो है, स्ट्रिंग्स हैं, केबल है, पिक्स हैं, तो ओवरऑल एक अच्छा कॉम्बो आपको 9,000 से 10,000 रुपए की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। एक्सेसरी कॉम्बो के अलावा कभी कभी आपको ये गिटार विदाउट एक्सेसरीज भी देखने को मिल सकता है, जैसे जिनसे मैंने ये गिटार लिया है उन्होंने विदाउट एक्सेसरीज ही खरीदा था ये गिटार। और इसके अलावा आपको एक स्टायरोफोम केस के साथ भी जो है ये एकूस्टिक गिटार मिल सकता है, लेकिन वहां पे प्राइस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अभी यहाँ मैं फर्स्ट इंप्रेशन की तो बात नहीं कर सकता क्योंकि ये गिटार मैंने अरेंज किया है, ये मेरा गिटार नहीं है, और ये गिटार जिनका है उन्होंने करीब 3 महीने पहले लिया था। ये गिटार मेरे पास करीब 15 दिन से है और यहाँ पे ओवरऑल मेरे को इस गिटार में कोई भी दिक्कत नहीं लगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 3 महीने पुराना है तो उस हिसाब से यहाँ पे ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी एकदम सही है, यहाँ पे कोई भी नेक क्रैक नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रिज भी जो है वो भी एकदम इंटैक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी तो इस गिटार की सही है, लेकिन जब मैंने गिटार रिसीव किया तो यहाँ पे जो एक्शन है वो भी एकदम सही था, एकदम ऑप्टिमम था, लेकिन गिटार का जो एक्शन है वो वेरी कर सकता है पीस टू पीस, तो ये चीज़ आपको अपने एंड पे चेक करनी पड़ेगी। अब मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ओवरऑल प्लेबिलिटी वाइज मेरे को जो है ये गिटार काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ पे जो है ट्यूनिंग भी काफ़ी स्टेबल रहती है इस गिटार की, कोई भी दिक्कत नहीं आती। यहाँ जो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है वो है इस गिटार की लुक्स, यहाँ पे आपको एक मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको जो है एक वुड बाइंडिंग देखने को मिल जाती है जो कि प्रोबेबली एक महोगनी पैटर्न की ही बाइंडिंग है। और यहाँ पे ये जो डेमी कट है ये एक इस गिटार की USP है। डेमी कट का जो मेन एडवांटेज होता है वो यही है कि आप अपर फ्रेट्स एक्सेस कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द टोन। तो यहाँ पे आपको एक नॉन कटेबल डिजाइन अकूस्टिक गिटार मिल रहा है लेकिन एक स्कूप स्लाइड सा मिल रहा है हायर फ्रेट्स एक्सेस करने के लिए, जो कि काफ़ी अर्गोनॉमिक भी है और इसके अलावा एक काफ़ी यूनिक लुक भी देता है इस अकूस्टिक गिटार को। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये पूरा गिटार जो है मैट ब्लैक फिनिश में है, तो यहाँ पे फिंगर स्मजेस जो है काफ़ी ईजिली आ जाते हैं। तो ऐसे मैट फिनिश को मेंटेन करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक कॉटन क्लॉथ तो ज़रूर रखिए, तो जब भी आप प्ले करते हो उसके बाद जो है टॉप
पे वाइप कर दीजिए उस कॉटन क्लॉथ से, उससे जो फिनिश है वो कुछ हद तक मेंटेन रहेगी। और इसके अलावा अगर आपको काफ़ी अच्छे से मैट फिनिश को मेंटेन करना है तो यहाँ पे एक ये गिटार बॉडी स्प्रे है जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ओवरऑल यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो 3 महीने में इस गिटार पे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपने 2 साल पुराने केडेंस SH-103 की, तो इसको मैं ओकेजनली प्ले करता हूँ, हर बार तो नहीं प्ले करता क्योंकि मेरे पास और भी हायर एंड अकूस्टिक्स है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन यहाँ 2 साल में ओवरऑल इस गिटार में कोई भी दिक्कत नहीं आई, इसका एक्शन भी एकदम सही है, इसका टॉप भी एकदम सही है। तो यहाँ पे 2 साल में इस गिटार के साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो आप जाके मेरी SH-103 की वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने कुछ इश्यूज फेस किए थे लेकिन फाइनली जब मेरे को ये पीस रिसीव हुआ ये काफ़ी अच्छा रहा और 2 साल के बाद भी जो है एकदम अच्छा चल रहा है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है और मेरे को कुछ सब्सक्राइबर से भी जो फीडबैक मिला वो यही है कि अगर आपका केडेंस का गिटार स्टार्टिंग में एकदम सही निकलता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, तो आपका गिटार लॉन्ग रन भी प्रॉबेबली एकदम सही चलेगा अगर आप उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है वो तो हर गिटार के लिए होता है कि अगर आप अपने गिटार को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, सही स्ट्रिंग्स यूज़ करेंगे अपने अकूस्टिक गिटार पे, तो आपका गिटार लॉन्ग रन काफ़ी अच्छा चलेगा। इसके अलावा अगर आप इस गिटार को लॉन्ग रन मेंटेन करना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसमें या तो 10 या मैक्सिमम 11 गेज की स्ट्रिंग्स लगाएं। 11 गेज के बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो यूजुअली तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन फिर भी एक चांस लेने वाली बात होती है कि ब्रिज जो है वो सेपरेट हो सकता है। तो जो 1152 स्ट्रिंग गेज होता है मेरे हिसाब से काफ़ी वेल बैलेंस्ड गेज है, इन द सेंस कि आपको एक अच्छी टोन भी मिल जाती है, इसके अलावा जो है आपका गिटार अच्छे से मेंटेन भी रहता है, जो ब्रिज है वो बॉडी से सेपरेट नहीं होता और लॉन्ग रन जो है आप गिटार को प्ले कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए अब इस गिटार का साउंड चेक कर लेते हैं।
ओवरऑल साउंड वाइज मेरे को ये गिटार काफी अच्छा लगा। यहाँ पे आपको एक वार्म टोन विद गुड वॉल्यूम प्रोजेक्शन सुनने को मिलती है, और यहाँ पे आपको जो पिकअप से भी जो टोन मिल रही है वो भी अच्छी है। अब यहाँ इस पिकअप को मैं फिशमैन से तो नहीं कंपेयर करूंगा, लेकिन अफोर्डेबल प्राइस रेंज में ये जो पिकअप है अपने आप में अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पे जो गिटार की लुक है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही यूनिक है, और यहाँ पे आपको इवन फ्री एक्सेसरीज भी मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये जो है ओवरऑल एक काफी अच्छी डील हो जाती है। तो अगर आपको एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रोकूस्टिक गिटार चाहिए विद इन 10,000 रुपीज, तो स्लो हैंड सीरीज जो है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोकूस्टिक गिटार आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय।